Hello everyone, today I am going to teach you very important topic of class 11, that is projectile motion. तो जैसे कि आपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक एंगल पर थ्रो करते हैं तो वो कभी भी स्ट्रेट मूव नहीं करता है, वो एक पैराबोलिक पाथ बनाता है, वो एक कर्व शेप बनाता है। सपोज मैं इस ऑब्जेक्ट को एक एंगल पर थ्रो करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट ना जाकर एक पैराबोलिक फॉर्म में वापस आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ये ऑब्जेक्ट थ्रो किया है और ये पैराबोलिक फॉर्म बनाकर नीचे वापस आया है। और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि वन डायमेंशनल मोशन में यदि हम ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट मूव करते हैं, स्ट्रेट थ्रो करते हैं, तो वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाता है। इट मीन्स वन डायमेंशनल मोशन में हमारा जो पाथ है स्ट्रेट रहेगा, लेकिन यदि हम बात करें टू डायमेंशनल मोशन की, मोशन इन ए प्लेन की, उस कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट पैराबोलिक पाथ बनाता हुआ वापस आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन और प्रोजेक्टेड इन टू द एयर। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को एयर में थ्रो करते हैं सब्जेक्टेड टू ओनली द एक्सलेशन ऑफ ग्रेविटी, इट मीन्स वो केवल एक्सलेशन ऑफ द ग्रेविटी के अंतर्गत गति करता है। एक्सलेशन ऑफ द ग्रेविटी में केवल हमारा मोशन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हमारा वन डायमेंशन मोशन होगा तो हमारा स्ट्रेट वापस आ जाएगा, लेकिन यदि टू डायमेंशन मोशन होगा तो एक कर्व पाथ वापस आएगा। अंडरस्टैंड, द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल, और जो ऑब्जेक्ट हम लेंगे उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री, और जो पाथ फॉलो करेगा ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, अ बुलेट फायर फ्रॉम अ राइफल, यदि राइफल से बुलेट हम फायर करते हैं तो वो कभी भी स्ट्रेट मूव नहीं करती है, वो हमेशा पैराबोलिक पाथ मूव करती है। अ स्टोन थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग से भी स्टोन को थ्रो करके देख सकते हैं, वो कभी भी स्ट्रेट मूव नहीं करेगा, वो क्या करता है एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए नीचे आता है। एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन, और जब भी एरोप्लेन से कोई ऑब्जेक्ट हमारा नीचे गिरता है तब भी वो स्ट्रेट मूव नहीं करता है, वो हमारा पैराबोलिक पाथ बनाता है। अ जैवलिन थ्रोन बाय एन एथलीट, और आपने ये भी देखा होगा कि जो एथलीट होते हैं वो जब जैवलिन थ्रो करते हैं तो हमारा पैराबोलिक पाथ बनाते हैं। अब हमको ये प्रूफ करना है कि जो पैराबोलिक पाथ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी प्रोजेक्टाइल का, वो होता क्यों है, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, तो हमको ये प्रूफ करना है। तो आइए पहले केस की बात करते हैं। प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, तो आप देख सकते हैं कि ये ग्राउंड है और ग्राउंड से एच हाइट पर एक पॉइंट ओ है जहां से हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से किसी प्रोजेक्टाइल को फायर किया है। और आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेक्टाइल वर्क अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन, केवल ग्रेविटी के अलोन में वर्क करता है, इसलिए जो हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो हमारी सेम रहेगी एट एवरी पॉइंट। अंडरस्टूड, हमारे एवरी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वो हमारी सेम रहती है। और अब हमें प्रूफ करना है कि जो ट्रेजेक्ट्री फॉलो की है प्रोजेक्टाइल ने, ये पैराबोलिक क्यों होती है। अब हमको ये प्रूफ करना है। एज यू नो, न्यूटन गिव अस थ्री इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। लेकिन ये तीनों इक्वेशन यूनिफॉर्म एक्सलेशन के लिए वैलिड हैं और साथ ही में स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए वैलिड हैं, हमें कर्व मोशन के लिए तो इक्वेशन पता ही नहीं है, तो यहाँ पर हम इक्वेशन कैसे अप्लाई करें, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई हमारे साथ। यदि कर्व शेप आती है तो उसके लिए हम डायरेक्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए एक मैथड निकाला गया। मैथड ये किया गया कि सपोज यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, और आपको पैराबोलिक प्रूफ करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट से आप टू बॉल कंसिडर कीजिए, वन बॉल एंड टू बॉल, राइट, और उसको एक ही टाइम पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आप थ्रो कर दीजिए, राइट। तो होगा क्या कि जब हमारी हॉरिजॉन्टल वाली बॉल इस पॉइंट पर पहुंच जाएगी, ठीक है, उतने ही टाइम में वर्टिकल वाली बॉल इस पॉइंट पर पहुंच जाएगी, राइट। जब वर्टिकल बॉल ग्राउंड पर आएगी उसी टाइम पर हॉरिजॉन्टल वाली बॉल इस पॉइंट पर पहुंच जाएगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, दोनों मोशन को कंबाइन कर देते हैं, और दोनों मोशन को कंबाइन करने के बाद हमारी इस पैराबोलिक फॉर्म की इक्वेशन आ जाएगी, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन,
तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्रेविटी है वो केवल वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करती है, इसलिए हॉरिजॉन्टल के लिए ए हमारा हो जाएगा जीरो, राइट। एंड इफ वी यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो व्हाट इज एस, एक्स। हम कंसिडर कर रहे हैं कि पी पॉइंट पर हमने एक्स डिस्टेंस कवर की है। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यू टी प्लस हाफ व्हाट इज ए जीरो इंटू टी स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू हो गया हमारा यू टी, राइट। और यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे टी एक्स अपॉन यू, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन, अब हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, राइट। सो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो व्हाट इज एस, हमने कंसिडर किया है वाई कवर किए हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन इज वाई, व्हाट इज यू जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, इनटू टी प्लस हाफ व्हाट इज ए जी, क्योंकि ग्रेविटी लगती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड टी स्क्वायर, सो वाई इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, राइट। अब आपको क्या करना है, इस टी की वैल्यू को यहां पर पुट अप कर देना है, तो वाई कितना हो जाएगा, हाफ जी एक्स अपॉन यू का होल स्क्वायर, सो वाई इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, राइट, एंड वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, राइट, वेयर के इक्वल टू हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर, राइट। तो आप देख सकते हैं y इक्वल टू आया है के एक्स स्क्वायर, इट मीन्स y इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, सो वी कैन से द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो आइए बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की, इट इज द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन इट्स फ्लाइट, इट मीन्स ओ पॉइंट से लेके ग्राउंड तक, ठीक है, सपोज दिस इज पॉइंट ए, तो ओ से लेके ए तक जब तक हमारा प्रोजेक्टाइल एयर में रहता है, इट मीन्स फ्लाइट में रहता है, उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। सपोज वी टेक टाइम टी, राइट, इट मीन्स हमको टी टाइम कैलकुलेट करना है, सो फॉर वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉडी, राइट, सो वी यूज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो व्हाट इज एस, टोटल डिस्टेंस, टोटल हाइट एच इक्वल टू यू जीरो, टाइम टी प्लस हाफ ए व्हाट इज ए जी इंटू टी का स्क्वायर, राइट, सो टू एच अपॉन जी इक्वल टू टी स्क्वायर, इट मीन्स टी इक्वल टू रूट टू एच अपॉन जी, तो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ओ पॉइंट टू ए। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रे, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आप देख सकते हैं कि यदि हम ओ पॉइंट से किसी प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं तो उस कंडीशन में जितना उसने टाइम पीरियड लिया है उसे ए तक आने में, उसी टाइम में उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर की है, राइट। तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कवर की है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। तो जैसे कि आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल के केस में हमारा एक्सेलरेशन जीरो होता है, सो वी अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जैसे कि आप जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, राइट, मल्टीप्लाई टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। एंड व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यू, एंड व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, टी, राइट, सो यू इनटू रूट टू एच अपॉन जी, राइट, सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और सपोज हम आपसे कहें कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जो ये हमारा पाथ है इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप रिजल्टेंट वेलोसिटी बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने वी को टू पार्ट में रिजोल्व किया है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वर्टिकल वेलोसिटी, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो हमारी सेम रहेगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है,
तो हमारी एवरी पॉइंट पर सेम रहती है, सेम एट एवरी पॉइंट। और यदि हम बात करें वी वाई की, तो वो कैलकुलेट होती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी वाई इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वाट इज यू, जीरो, वाट इज ए, जी, एंड वाट इज टी, टी। वी वाई इक्वल टू जी टी, राइट, वी वाई इक्वल टू जी टी एंड वी एक्स इक्वल टू यू। तो वाट इज बी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी वी इक्वल टू रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। यदि हमारे दो वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं तो उसका रिजल्टेंट हमारा इतना आता है, तो रूट वी एक्स यू का स्क्वायर प्लस वी वाई जी टी का होल स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, राइट। और यदि हम बात करते हैं डायरेक्शन की, तो आप देख सकते हैं कि रिजल्टेंट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ एंगल बीटा बनाता है, राइट। सो टैन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया वी वाई और बेस कितना हो गया वी एक्स। तो वाट इज वी वाई, जी टी अपॉन वाट इज वी एक्स, यू। सो टैन बीटा हो गया बेटा जी टी अपॉन यू, सो बीटा इक्वल टू टैन इनवर्स जी टी अपॉन यू, राइट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन, राइट, जो हॉरिजॉन्टल मूव करता है 500 किलोमीटर पर आवर से, राइट, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 500 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे समझ लीजिए हमारा एरोप्लेन है, राइट, और इसकी स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर, और एरोप्लेन ने 1000 मीटर की हाइट से एक बम को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, जो कि टारगेट से 1000 मीटर हाइट पर है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, बाय हाउ मच डिस्टेंस द बम विल मिस द टारगेट, कितने डिस्टेंस से बम टारगेट को मिस कर देगा, क्योंकि एरोप्लेन 500 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, अंडरस्टूड। तो हमको इस चीज का आंसर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एरोप्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन है 500 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यदि हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बम जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो वो कितनी हो जाएगी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बम वी वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, राइट। सो यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाट इज एस 1000 इक्वल टू जीरो इंटू टी प्लस हाफ, वाट इज ए इक्वल टू होता है बेटा जी के, और जी की वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो उसे हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा 4.9, सो 1000 इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर इक्वल टू 1000 अपॉन 4.9, राइट, ये हमारा पॉइंट हटेगा तो जीरो ऊपर आ जाएगा, सो टी इक्वल टू हो जाएगा रूट 10000 अपॉन 49, राइट, 10000 का स्क्वायर रूट 100 और 49 का स्क्वायर रूट 7, तो टी हमारा आ गया 100 अपॉन 7 सेकेंड। अब हमको कैलकुलेट करनी है हॉरिजॉन्टल रेंज, क्योंकि हमको बताना है कि बम कितने डिस्टेंस से टारगेट को मिस करेगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय बम, राइट, इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन मल्टीप्लाई टाइम, राइट, इक्वल टू व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन 500, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में गिवन है, हमको उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5/18 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 100/7, राइट। तो आप देख सकते हैं 2 से कट जाएगा हमारा, 2 9 18 250, राइट, 25 जो 125 मल्टीप्लाई 1000/63, हमारा आंसर आ जाएगा 1984.13 मीटर। तो कहने का मीनिंग ये है कि 1984.13 मीटर से बम जो है टारगेट को मिस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड
and throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meter per second. Neglecting air resistance, find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. Take g equal to 9.8 meter per second square. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हाइकर है वो 490 मीटर की हाइट पर है, ठीक है, क्लिफ का मीन्स होता है चट्टान, राइट, और इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड, जिससे वो स्टोन को थ्रो करता है, राइट, और उसके बाद हमारा स्टोन पैराबोलिक पाथ बनाता हुआ ग्राउंड पर आ जाता है. अंडरस्टैंड, दिस इज ग्राउंड, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमें टाइम कैलकुलेट करना है, और दूसरा क्वेश्चन है कि जब वो ग्राउंड पर हिट करता है तो उस समय हमारी स्पीड कितनी होगी, ठीक है. तो सपोज ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पर हमें v कैलकुलेट करना है, ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं v को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, vx एंड vy, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट, राइट, एंड दिस इज द एंगल बीटा. तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या क्या हमको गिवन है. गिवन इट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो गिवन है जीरो, राइट, h इक्वल टू 490 मीटर, राइट, एंड इनिशियल वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ux हमको गिवन है, राइट, 15 मीटर पर सेकंड. सो नाउ अप्लाई द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, राइट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे uy. 490 इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई टी प्लस हाफ, जी हमको लेना है 9.8, तो 9.8 इंटू टी स्क्वायर, राइट, तो 490 इक्वल टू 9.8 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे 4.9 आएगा, सो 4.9 टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेटा 490 अपॉन 4.9, सो टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये पॉइंट इंटू 10 ऊपर जाएगा हो जाएगा 10 इंटू 10, सो टी इक्वल टू हो जाएगा रूट 10 इंटू 10, इट मीन्स टी इक्वल टू हो जाएगा 10 सेकेंड. तो कहने का मीन्स ये है कि प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड तक आने में 10 सेकंड का वक्त लगेगा, राइट. अब हमको कैलकुलेट करनी है स्पीड. तो जैसे कि आप जानते हैं vx जो होगा वो ux के इक्वल होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एवरी पॉइंट पर सेम रहती है, हमारी चेंज नहीं होती है. लेकिन यदि हम बात करें vy की, तो vy की जो हमको इक्वेशन लगानी होगी, फर्स्ट uy प्लस gt, राइट, तो वाट इज uy 0, वाट इज g 9.8 एंड वाट इज t 10, इट मीन्स 98 मीटर पर सेकेंड. और यदि हम बात करें रिजल्टेंट वेलोसिटी की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यदि टू वेक्टर्स हमारे परपेंडिकुलर होते हैं, उस कंडीशन में हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, राइट, अब दोनों की वैल्यू पुट अप करिए, 15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर, राइट, तो बेटा जब आप इस पूरे को सोल्व आउट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 99.1 मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स इतनी वेलोसिटी से स्टोन ग्राउंड को हिट करेगा. आइए अब बात करते हैं सेकंड केस की. प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. यदि आप किसी प्रोजेक्टाइल को एक एंगल पर थ्रो करते हैं तो पैराबोलिक शेप बनाता है. तो अब हमको समझना है कि ऐसा होता क्यों है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यदि हम ओ पॉइंट से एक एंगल थीटा पर यू वेलोसिटी से किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, उस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी टू पार्ट्स में डिसॉल्व हो जाती है. फर्स्ट वन इज u cos थीटा एंड सेकंड वन इज u sin थीटा, राइट. u cos थीटा इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड u sin थीटा इज द वर्टिकल वेलोसिटी. और यदि हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करें तो ये हमारी सेम रहती है थ्रू आउट द मोशन. u cos थीटा हमारे पूरे मोशन में सेम रहेगी, क्योंकि पैराबोला जो होता है वो हमारे केवल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वर्क करता है. और यदि हम बात करें u sin थीटा की, तो u sin थीटा स्टार्टिंग में हमारा डिक्रीज होगा और एक हाईएस्ट पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर हमारी यू साइन थीटा जीरो हो जाएगा और अगेन हमारा यू साइन थीटा इंक्रीज करेगा, क्योंकि उस कंडीशन में मोशन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी होती है. तो स्टार्टिंग में यू साइन थीटा हमारा डिक्रीज होगा, एक पॉइंट पर आने के बाद जीरो हो जाएगा और वापस हमारा इंक्रीज होगा. लेकिन यू कॉस थीटा हमारा एवरी पॉइंट पर सेम रहेगा, इस पॉइंट पर भी सेम रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट पर भी सेम रहेगा और हमारा इस पॉइंट पर भी सेम रहेगा. तो ये आपको ध्यान रखना है. और हमने जो पहले वाला प्रोजेक्टाइल किया है और जो हम ये वाला प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, इसमें केवल एक डिफरेंस है, वहाँ पे सिंपल यू था और यहाँ पे यू कॉस थीटा आएगा और यू साइन थीटा आएगा. और इसमें भी हमें वही काम करना है
हमें टू बॉल कंसिडर करनी है, एक बॉल को हॉरिजॉन्टल मूव कराना है और सेकंड बॉल को वर्टिकल मूव कराना है। तो जब हमारी हॉरिजॉन्टल वाली बॉल इस पॉइंट पर पहुंच जाएगी, इट मीन्स वर्टिकल वाली बॉल इस पॉइंट पर पहुंच जाएगी। जब हमारी हॉरिजॉन्टल वाली बॉल इस पॉइंट पर पहुंच जाएगी, इट मीन्स वर्टिकल वाली बॉल हमारी वापस आ जाएगी। अंडरस्टूड? तो जैसे से हमारी हॉरिजॉन्टल बॉल मूव करती है, वैसे से हमारी वर्टिकल बॉल भी मूव करती है, और बाद में इन दोनों मोशन को हम कंबाइन कर देते हैं, जिससे हमारा पैराबोला प्रूफ होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, और आपको सिंपली सेकंड इक्वेशन यूज करनी है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल मोशन में हमने डिस्टेंस कवर की है एक्स, राइट, और हॉरिजॉन्टल के लिए हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं यू एक्स, राइट, इंटू टी, हाफ इंटू वाट इज ए जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हमारा जीरो है, राइट। सो एक्स इक्वल टू वाट इज यू एक्स, यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई टी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करते हैं फॉर वर्टिकल मोशन, राइट। सो अगेन सेम इक्वेशन यू विल यूज, राइट। सो वाट इज एस वाई, राइट, वाट इज यू, हम इसको कंसिडर करते हैं बेटा यू वाई, राइट, इंटू टी प्लस हाफ, ए कितना आएगा इस बार, क्योंकि हम वर्टिकल मूव कर रहे हैं और ग्रेविटी लगती है डाउनवर्ड, सो वी टेक माइनस, राइट। सो वाई इक्वल टू वाट इज यू वाई, यू साइन थीटा मल्टीप्लाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये थी एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। सो वाट इज द वैल्यू ऑफ टी, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, राइट। अब ये एक्स अपॉन यू कॉस थीटा आपको यहाँ पर पुट अप करनी है, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा यू साइन थीटा मल्टीप्लाई एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। और यदि आप इसको सोल्व करें तो आंसर आएगा वाई इक्वल टू यू से यू कैंसिल एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि वाई इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ एक्स, इट मीन्स द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोला। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमको दो बॉल कंसिडर करनी है, एक को हम हॉरिजॉन्टल में लेंगे और एक को हम वर्टिकल में कंसिडर करते हैं, क्योंकि न्यूटन ने केवल थ्री इक्वेशन दी है, वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए दी है, और ऐसी कोई इक्वेशन आज तक नहीं बनी है जिसको हम कर्व शेप में अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन की इक्वेशन कंसिडर करते हैं और बाद में उनको कंबाइन करते हैं, जिससे हमको पैराबोला की इक्वेशन मिल जाती है, राइट। सो वी कैन से द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोला।